नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सब स्वागत है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। तो वहीं भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री के स्वागत में भी तैयार है और वह एक मांग को लेकर आज पोस्टर लगा रही है, प्रधानमंत्री के झांसी आगमन को धन्यवाद दे रही है। आइए देखते हैं क्या है मांग और क्या पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के पंकज रावत जी हैं और उनके साथ में उनके समर्थक हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी आगमन पर ये पोस्टर लगा जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आ रहे हैं तो पृथक बुंदेलखंड राज्य की सौगात भी साथ लेते आए। ये पोस्टर है करीब और पिछले बुंदेलखंड की भूमि पर स्वागत प्रधानमंत्री जी राम मंदिर और 370 के लिए धन्यवाद, आ रहे हैं तो पृथक बुंदेलखंड राज्य की सौगात भी लेते आए भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी। आइए प्रजाशक्ति पार्टी के पंकज रावत से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये पोस्टर क्यों लगाए गए हैं। पंकज जी, आज आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर पोस्टर लगाए हैं, वो क्या है मामला और क्यों इस आवाज़ को आप उठा रहे हैं? हम लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड की पावन भूमि पर स्वागत कर रहे हैं और हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से राम मंदिर निर्माण के लिए और धारा 370 हटाने के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि यदि आप बुंदेलखंड की पावन भूमि माटी पर आ रहे हैं तो आप अपने साथ बुंदेलखंड राज निर्माण की सौगात भी लेकर आइए। बुंदेलखंड गरीब और पिछड़ा है और यहाँ के लोग आज़ादी के बाद आज तक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि जब वे आएंगे तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की घोषणा करके ही जाएंगे कि अब बुंदेलखंड भारत का 29वां राज्य होगा। धन्यवाद पंकज जी। तो देखा आपने, यह पंकज रावत जी हैं भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के, जो कि पृथक बुंदेलखंड राज्य की निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौगात मांग रहे हैं। फिलहाल झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां बहुत जोरों पर जारी हैं और हम आपको लगातार इस कवरेज की पल पल के अपडेट दे रहे हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।